हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बार्ड्स भी बहुत अच्छे और मैं हूँ राज। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल बाहर बार्ड्स वीडर। तो आज हम बात करेंगे मेरा बजिस सेटअप के ऊपर। तो कल मैंने जो वीडियो डाला था फिंचेस का नया सेटअप के ऊपर था। मैंने फिंचेस का जो सेटिंग कर दिया, ब्रीडिंग के लिए बिठा दिया। और अभी जो हमारा बजिस जो है कॉलोनी में था, तो उनको मैंने सेपरेट केज में कर दिया। तो आपको वही दिखाना है कि मेरा जो पुराना वाला कॉकटेल का केज था ना दूसरा सेटअप में, इस सारा केज में मेरा कॉकटेल का ब्रीडिंग सेटअप रखा हुआ था। तो मैंने कॉकटेल का तो दूसरा घर में शिफ्ट कर दिया, नया सेटअप में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये सब केज मेरा खाली पड़ा हुआ था। और इसमें मैंने अपना बजिस का जो है सेटअप कर लिया। तो आज वही आपको दिखाना है, ये सब बजिस जो है हमारा कॉलोनी में रखा हुआ था। और कुछ अभी कॉलोनी में भी है, देख लीजिए, ये चार अभी कॉलोनी में है और ये चार ही चार के फीमेल है। इसके लिए कोई अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मेल होगा और किसी को फीमेल चाहिए होगा तो आके इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी दो आप ले सकते हो और मुझे दो मेल दे सकते हो। किसी को चाहिए तो जरूर कमेंट बता देना और डिस्क्रिप्शन में मेरा तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें फोन करके मुझे बोल सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा सेटअप। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। ये बात लिख दीजिए, ये ब्लू और एक येलो का प्यार है। इनको भी मैंने 3 से 3.5 महीना जो है रेस्ट दे के रखा था, जिसके वजह से हमने इसको भी मटकी लगा दिया है एकदम से। मटकी वगैरह सब मेरे पास तो पहले से ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा तो बजिस का कॉलोनी था बहुत आगे, तो वही जो मटकी है मैंने संभाल के रखा था। अब ये काम में आ गया, मटकी मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा, इसमें ही काम चल जा रहा है। यहाँ पर है दूसरा प्यार, ये वाइल्ड कलर के ये दोनों, ठीक है, पीछे का मेल है और सामने का जो है फीमेल है। इनको भी मैंने मटकी दे दिया। और मैं देख रहा था कि ये सब पेयरिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक दिन में ही पेयरिंग ले लिया, और देखते कितने दिन में ब्रीडिंग करता है, कितने दिन में अंडे देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पाइट का मेल है और पीछे मटकी के ऊपर वाइल्ड कलर में एक फीमेल है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये सामने का जो है पाइट का मेल है और पीछे वाइल्ड कलर में फीमेल है। मैंने सबको मटकी लगा दिया, जिसको ऐसे ये अभी बहुत जल्द ब्रीडिंग पे भी आ जाएगा। यहाँ पर है चौथा प्यार, ये व्हाइट का एल्बिनो का फीमेल है। उसके साथ मैंने एक ग्रीन ब्लू कलर का मेल के साथ पेयरिंग किया हुआ है। और यहाँ पर भी एक प्यार है, ये येलो का येलो रेड आई का जो मेल है, और नीचे मटकी के अंदर देख सकते फीमेल है। इसका भी पेयरिंग हो चुका है, क्योंकि फीमेल जो है मटकी के अंदर जा चुका है, मटकी के अंदर जा रहे हैं, मतलब ये भी बहुत जल्दी अंडे दे देगा। तो यहाँ पर भी जब भी कोई प्रोग्रेस आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और चलते यहाँ पर, ये मेरा 6 नंबर पेयर है, देख सकते हैं ये भी पेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। बजिस का पेयरिंग बहुत जल्दी हो जाता है और इतना ईजी भी होता है, क्योंकि ये सब मेरा कॉलोनी में रखा हुआ था एक साथ, वहाँ से कोई मैंने कोई मेल फीमेल करके नहीं पकड़ा था, एक मेल फीमेल ला के डाल दिया। अभी तो मुझे लगता है कि सबका पेयरिंग जो है कम्प्लीट हो चुका है। एक दो पेयर प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए एक पेयर है मेरा, ये भी वाइल्ड कलर में ही है दोनों ही, दिखाई नहीं दे रहा सही से। अभी देखो मटकी के अंदर, मटकी के ऊपर बड़े आराम से बैठा हुआ है ये दोनों। और उसके बाद यहाँ पर चलते, ये ब्लू कलर में एक मेल है और इसके अंदर व्हाइट का एक फीमेल है, ठीक है। मैंने डाला था ना, अंदर दिख रहा है थोड़ा सा, देखो पूरा नहीं दिख रहा, तो उसका सिर दिख रहा है बाहर से, ये व्हाइट का फीमेल है, ठीक है, एल्बिनो नहीं, रेड आई नहीं, नॉर्मल ब्लैक आई फीमेल है व्हाइट का, और ये ब्लू कलर का एक मेल है। और यहाँ पर आखिरी, ये पाइट का फीमेल और ग्रीन कलर में, सॉरी पाइट का मेल है और ग्रीन कलर में फीमेल है। मेरे पास ज़्यादा मैंने ग्रीन लिया, क्योंकि ग्रीन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रीडिंग करते हैं, दूसरे म्यूटेशन के हिसाब से ग्रीन बजीज जो है ज़्यादा अच्छा ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा दोनों केज अभी खाली है, कोई अगर हमारा कॉलोनी से इस बार्ड्स को एक्सचेंज कर ले जाएगा तो इन दोनों को भी हम पकड़ के नया जो हमारा दो केज जो खाली है उसमें डाल देंगे। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा बजीस का सेटअप आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और कितने आपको क्या लगता है बजीस का सेटअप में हमें कितने दिन में ब्रीडिंग मिल सकते वो भी एक बार कमेंट में बता देना। तो अभी तक मेरा सोच था कि भाई 12 पेयर तो बिठाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 फीमेल एक्स्ट्रा हो गया, इसके लिए दोनों केज खाली है। वो भी देखते हैं कोई एक्सचेंज कर लेगा तो एक्सचेंज कर लेंगे, नहीं तो 4 मेल लाएंगे। और इस साइड में हमारा फिंचेस का केज सेटअप। तो ये है मेरा पुराना सेटअप जहाँ पर कॉकटेल रहता था और फिंचेस रहता था, और अभी यहाँ पर से कॉकटेल नया सेटअप में ट्रांसफर हो चुका है और कॉकटेल के जगह पे आ गया है बजीस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।